और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। प्रयागराज के मेजा में भीषण सड़क हादसे में एक की मृत्यु हुई है और चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मेजा थाना अंतर्गत प्रयागराज मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर टिकुरी समहन के समीप भीषण सड़क दुर्घटना में ट्रक ने 5 छात्राओं को कुचल दिया, जिससे एक की मौके पर मृत्यु हो गई है। छात्राएं स्कूल से घर जा रही थी, ऐसा बताया गया है। ट्रक में फंसी हुई 3 छात्राओं को निकालकर गंभीर हालत में हॉस्पिटल भेजा गया है। आपको बता दें ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आज दोपहर की यह पूरी घटना है। आक्रोशित लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया है और स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए पूरा पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा है। आइए देखते हैं यह बड़ी खबर। कितनी छात्राएं इसमें, कितनी की मौत हुई और कितने घायल हैं इसमें? देखिए, थाना मेजा पे दोपहर में एक सूचना प्राप्त हुई थी एक एक्सीडेंट की, कि एक भारी वाहन एक ट्रक द्वारा कुछ छात्राएं जो GI सेंटर कॉलेज में पढ़ने वाली हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें से कि एक छात्रा की डेथ हो गई है और एक छात्रा का हाथ ट्रक में फंसा हुआ है। तत्काल थाना पुलिस की टीम, संबंधित अधिकारीगण जो रेस्क्यू के हमारे उपकरण होते हैं उसके साथ, हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ, एम्बुलेंस के साथ, फायर टेंडर इत्यादि के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ पे जो बच्ची फंसी हुई थी उसको तत्काल वहाँ से निकलवाया, उसको अस्पताल में सकुशल भेजा गया है। वहाँ पे वो उसका इलाज बेहतर से ढंग से हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। जो मृतका थी उसकी डेड बॉडी को भी वहाँ से निकाला गया है। साथ में ये भी पता चला है कि उसके अलावा 2 अन्य छात्राएं थी जिनको कुछ चोटें लगी थी, जिनको आसपास के लोगों द्वारा पूर्व में ही अस्पताल में भेजा गया था। इसी बीच में ये एक घटना ये भी हुई कि भीड़ में जो कुछ लोग आक्रोशित थे उनके द्वारा जो वाहन था उसका अगले हिस्से में उसमें आग लगाने की घटना भी कुछ कारित की गई। तत्काल वहाँ पर जो उपस्थित फायर टेंडर था उसके द्वारा आग पे नियंत्रण किया गया है, लोगों को समझाया बुझाया भी गया है। इसके अलावा जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। करने वालों पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जिन बच्चियों को चोट लगी है, जो घायल हैं, उनका जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो किया जाए। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी देनी है कि जो ट्रक का चालक है उसको भी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है, वो हिरासत में है। तो सबसे पहले उनके विरुद्ध में जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है, जो ट्रक चालक हैं जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है, वो सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अन्य संबंधित कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित किया जाएगा। ये भी पता किया जाएगा कि यदि अगर किसी की इसमें लापरवाही भी आती है, अगर ट्रक को इस रोड पे आने देने इत्यादि में, तो उसमें भी जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। व्यवस्था बहाल हो इलाके में इसको लेकर के कुछ निर्देश? देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। जो कुछ लोगों में ये गुस्सा था उनको समझा बुझा दिया गया है और जैसा कि मैंने बोला कि हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जो बच्चियाँ हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो सके और इसके अलावा जो वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है वहाँ पर। थैंक यू।